सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल मेरा नाम है आज़म फ्रेंड यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिसकी मदद मतलब से आप जो है देख सकते हैं कि हमारे आउटडोर यूनिट में जो कंडेंसर है वो चौक है कि नहीं इसकी जो कैपिलरी है फिल्टर है वो चौक है कि नहीं उसमें ऑयल ब्लॉकेज तो नहीं है मतलब सिस्टम क्रॉसिंग कर रहा है कि नहीं इसके लिए आपको सिंपल करना क्या है आपने जब भी एसी को अलग किया मतलब यहाँ पर जो सक्शन पाइप डिस्चार्ज पाइप हैं दोनों को उतार लिया एल की वॉल आपकी ओपन होनी चाहिए जो भी लीकेज थी वो रिपेयर करने के बाद आपने ए इंस्टॉल करने से पहले ये काम लाजमी कर लेना है लेकिन जब रिपेयर हो जाए या फिर सिस्टम जब भी शॉप पर आए तो पहले आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि जब भी ए आए कंप्रेसर चेंज करना पड़े या फिर उसमें जो है चोकिंग प्रॉब्लम हो रही हो तो सिस्टम को लाजमी से इंडोर आउटडोर को वॉश कर लिया करें क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज मिलते हैं कि जिसमें पूछा जाता है कि सर हम कैसे एसी का मसला हल करेंगे वो सिस्टम कंप्रेसर से तब्दील करने के बाद या तो चोक हो रहा होता है या फिर चोकिंग प्रॉब्लम सही से क्लियर दूर नहीं हो पाती तो के लिए ये वीडियो है जब भी ए आपका नॉर्मल लीकेज हो तो उसमें चांसेस कम होते हैं लेकिन जब भी सिस्टम ऑलरेडी पहले से ही चौक हो रहा है तो उसको अच्छे से इनडोर आउटडोर पाइपिंग को क्लीन कर लिया जाए और जब कंप्रेसर चेंज करें तब तो लाजमी आपको कर लेना चाहिए तो मतलब इसकी जब आप फ्लशिंग कर लेंगे आउटडोर यूनिट की पाइपों की इंडोर यूनिट की पाइपों की तो आपका ए जो है 99% नाइन चौक नहीं होगा प्रॉब्लम नहीं करेगा ओवर हीट कडसर भी नहीं होगा हेड प्रेशर नहीं बढ़ेगा रनिंग प्रेशर भी सही चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कंप्रेसर ट्रिपिंग भी होता है वो भी नहीं होगा यहाँ मैं फ्रेंड आपको बता दूँ जब आपके पास वर्कशॉप पर आया मान लें कंप्रेसर इसका तब्दील करना था कंप्रेसर मैंने तब्दील कर दिया अभी इसको तब्दील करने से पहले आपने ये काम कर लेना है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए तो यहाँ पर एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि फ्लशिंग बहुत ज़रूरी है दूसरा ये कि आप एल की वॉल को एल की मदद से एल एन की मदद से इसको ओपन कर दें यहाँ से आप इसको भी हटा दें जो अगर आपने कुछ इसके ऊपर डेड कैप लगाए हैं तो देखेंगे इसमें से कोई एयर नहीं निकल रही अब एयर नहीं निकल रही सक्शन लाइन तो तकरीबन तो ठीक होती है क्योंकि सक्शन लाइन यहाँ पर एक तो खुली डोली और बहुत ही शॉर्ट होती है सक्शन यहाँ से घूमकर सीधी कंप्रेसर सक्शन लाइन में चली जाती है डिस्चार्ज लाइन का इशू होता है डिस्चार्ज लाइन में क्योंकि पूरा कडंसर आ जाता है और कैपलेरी फिल्टर वगैरह आ जाते हैं इसमें ये रिलीफ बाल भी लगा हुआ है इस पर मैं इनशाला डिटेल से वीडियो बनाऊँगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो है अभी देखें ये कैपलेरी लगी हुई है रिलीफ बाल भी आप कैपलेरी ही मान लें यहाँ से स्टार्ट हुई ठीक है और यहाँ पर एंड डिस्चार्ज पर आपने क्या करना है यहाँ से एयर तो गैस तो निकल नहीं रही अब गैस जो भी निकलनी थी ख़त्म हो गई यहाँ इसमें थी ही नहीं तो यहाँ पर जो है आपने इसको इस अगर फिल्टर लगा है तो इसके ऊपर से आपने इसको कट करना है ठीक है इसके ऊपर से ऊपर से जब आप इसको कट कर देंगे तो दो दो रास्ते इसके बन जाएंगे एक ये कि एक तो हमारा ये जो है डिस्चार्ज लाइन यहाँ से हमारा जो है सिर्फ यहाँ तक कैप ले और यहाँ तक यहाँ से हमने काट काट दिया ये अलग हो गया और दूसरी तरफ से कंप्रेसर का डिस्चार्ज पॉइंट ठीक है और यहाँ से कंप्रेसर के डिस्चार्ज पॉइंट से पूरा कंडेंसर घूमता हुआ ये फ़िल्टर के ऊपर तक ठीक है ऊपर से मैंने इसलिए आपको काटने का कहा क्योंकि नीचे से अगर आप काटेंगे तो यहाँ से बाद में सोल्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है अब आप क्या करें कंप्रेसर को चलाएं ठीक है कंप्रेसर कौन करें एल की एल एन की वाल दोनों ओपन होनी चाहिए याद रखें ऊपर से डेड कैप भी हटा देने हैं कंप्रेसर को जब आप चलाएँगे तो आप यहाँ से इसकी फ्लशिंग कर सकते हैं इसी कंप्रेसर से तो फ्लैशिंग करें देखें बिल्कुल आपका जो है क्रॉसिंग uh, हो रही है तो मतलब आपका कडनसर बिल्कुल ठीक है फ्लशिंग की जरूरत है तो वो आपने लाजमी कर लेनी है फ्लशिंग ठीक है और दूसरे नंबर पर जो इस साइड पर एरिया इसका बन गया था कैपिलरी से इस तरफ वो आप क्या करें कि यहाँ पर आप लगा लें इसमें लाइन और कंप्रेसर के साथ लगा लें या फिर अगर आपके पास कोई चाइना गैस भी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं तो वो आप जो है यहाँ से जब प्रेशर खोलेंगे तो इसमें से जाएगा क्रॉस होकर ये कैपिलरी को आप इजीली यहाँ से वॉश कर पाएंगे एक तो ये तरीका है अलग अलग करने का अलग अलग से इसको वॉश करने का और दूसरा इसमें यह भी क्लियर हो जाता है कि इसमें सिस्टम में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं ये भी पता चल जाता है क्योंकि यहाँ से तो हमारी मुकम्मल गैस एयर सारी निकल गई अब यहाँ से काटने से अगर इसमें एयर निकलती है तो मतलब यहाँ कहीं एयर जमा थी इस तरफ या इस तरफ ब्लॉकेज है फिर आपको हंड्रेड परसेंट पता चल जाएगा और फिर आप आसानी के साथ इसको क्लीन कर पाएंगे एक ये भी इसमें हो है और दूसरे नंबर पर जो मेन चीज़ है मतलब आपको एक आसानी हो काटना भी ना पड़े दो स्टेप बनाकर आपको यानी कि दो अलग अलग इसको करके आपको ऐसे एक ही में करना अगर आप करना चाहते हैं इसको वॉश तो आप क्या कर सकते हैं बहुत ही आसान है, है। यहाँ पर आप इसके कंप्रेसर से भी इसको वॉश कर सकते हैं कंप्रेसर की डिस्चार्ज लगी रहने दें ठीक है एल की वाल दोनों ओपन रहने दें और ये काटने की ज़रूरत नहीं है आप कंप्रेसर को ऑन कर दें मुकम्मल गैस के डंसर से होती हुई यहाँ से फिल्टर कैपलेट से होती हुई डिस्चार्ज लाइन पर आ जाएगी और यहाँ से आप हैंड रख कर इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं ठीक है और अगर आपके पास लिक्विड होगा उससे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी से वॉश हो जाती है वो कैसे आप यहाँ से कंप्रेसर के ऊपर से पॉइंट डिस्चार्ज हटाएँ वहाँ पर एक लाइन वेल्ड करें नोजल जिसके आगे आप अपनी लाइन गेज लगाकर कंप्रेसर लगाकर प्रेशर देंगे और सारी इसी तरह फ्लशिंग करेंगे आपके पास अगर वेस्ट वेस्ट गैस पड़ी हुई है जो कि चाइना की है उसका लिक्वड आप इसमें से कर देंगे तो कैपलेरी का डेंसर बहुत ही परफेक्ट तरीके से क्लीन हो जाएगी क्लीन आप यहीं से करेंगे ऐसे ही तो भाई इसमें फ्लशिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़रूरी है कंप्रेसर जब भी जलता है वो कैपलेरी ब्लॉक फिल्टर ब्लॉक इन इनकी वजह से मोस्टली जो मैंने देखे हैं वो इनकी वजह से ही जलता है आपके अगर कैपेसिटर वीक है तो कंप्रेसर इतनी जल्दी नहीं जलता अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तब चांसेस बन जाते हैं या फिर इसका अगर कडनसट ब्लॉकेज है इसके ऊपर लोड पड़ रहा हो किसी भी वजह से तो ये जलता है तो मैंने मोस्ट केस ऐसे ही देखे हैं जिसमें इसकी कैपलेरी ब्लॉक होती है या कडन्सर में ऑयल काफ़ी सारा आ जाता है फिल्टर चौक होता है उसकी वजह से इसके ऊपर काफ़ी अच्छा लोड पड़ रहा होता है ये रिलीफ बाल भी नहीं लगा हुआ होता तो कंप्रेसर जल्दी जल जाता है तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कंप्रेसर जल्दी नहीं जल जलेगा और इसी की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर न्यू है तो फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो सात घंटे के बटन पर प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर लाजमी से क्लिक करना ताकि आपको हमारी तमाम वीडियो जो है वो आने वाली मिल सके तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़